दोस्तों नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, पेंडेमिक के टाइम में काफ़ी लोगों ने एक दूसरे की मदद की है और अभी भी लोगों का काम चल रहा है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। हम लोगों ने भी कुछ कोशिश किया, अभी भी हमारा जो एक एनजीओ के माध्यम से विन फाउंडेशन के माध्यम से बहुत सारा काम चलता है, जिसमें वेस्ट बंगाल और बाकी एरियाज़ में लोगों की मदद की जाती है। तो इस तरीके से देखा आपने कि गवर्नमेंट ने भी बहुत सारा मदद लोगों को किया है, यानी खासकर खाने के मामले में, राशन के मामले में बहुत लोगों की मदद गवर्नमेंट ने की है। एक साल तक मान लीजिए आपका 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये ये हिसाब से गेहूं, चावल, मक्का, कभी तेल प्रोवाइड कराया है। मगर जैसे जैसे गवर्नमेंट का प्लान बढ़ा है, वैसे वैसे भ्रष्टाचार या बाकी चीज़ें भी बढ़ी हैं, क्योंकि ऊपर लेवल से कोई मान लीजिए आपको गेहूं या चना या चावल आपको वेट करने के लिए या माप के देने के लिए नहीं आएगा। जो माप तोल का काम होता है वो ग्राउंड लेवल पे होता है, डिलीवरी का जो काम होता है वो ग्राउंड लेवल पे काम होता है। तो इसी में बहुत सारा हम लोगों ने भी देखा और बहुत सारा मार्केट में भी देखा, मीडिया में भी सुना कि बहुत लोगों को कम वेट का जो डीलर होता है राशन का, वो क्या करता है कि वज़न में कम करके देता है। या मान लीजिए आप गए, आपको बता दिया कि नहीं डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है या नहीं आया, आप नहीं आए तो आपको नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारा जगह है, बहुत सारे पॉइंट हैं जहाँ पे लोग ऐसी बेईमानियाँ कर रहे हैं। आपने देखा कि कुछ दिन पहले या 2 साल पहले या 1 साल पहले जिसने अपना डीलरशिप प्रोग्राम चालू किया या गवर्नमेंट का लाइसेंस लेकर डीलर बना, आप देखते हैं कि उससे पहले उसके लाइफ में कुछ नहीं था और अचानक ही 2-3 साल में सिर्फ राशन और चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करके वो करोड़ों की संपत्ति जमा कर लिया। तो मान लीजिए जो फूड कंपनियां हैं जो सामान बेच के नहीं कर पा रही हैं, कॉमर्शियल तरीके से बेचने के लिए हैं, प्रॉफिट कमा रही हैं, दिखा रही हैं, उनको 5% 10% का फ़ायदा हो रहा है और जो सिर्फ गवर्नमेंट का सामान फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो करोड़पति हो जा रहा है। तो ऐसा उसने क्या किया या ऐसा उसने क्या बिजनेस मॉडल लगा दिया कि बाकी लोग उसके सामने नहीं हो पा रहे हैं और वो इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। तो इसी को करप्शन बोलते हैं और ये तरीके से ये लोग काम करते हैं। कभी कभी पता चला आपको बोल ही दिया कि नहीं है, राशन नहीं आया है और पूरा राशन ही मार्केट में भेज दिया। ये चीज़ें होती हैं, फैक्ट हैं। अब गवर्नमेंट इसको कैसे निपटेगी ये आगे की बात है, मगर गवर्नमेंट ने एक शुरुआत की है, अच्छी शुरुआत। अगर आप सिटीजन हैं और राशन से रिलेटेड चीज़ें आपके पास आप भी लेते हैं और ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा इशू आपके पास भी आता है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने हर एक राज्य के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। टोल फ्री नंबर में क्या है कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं फ़ोन करके कि आपके एरिया का जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है या जो भी आपका डीलर है उसके खिलाफ कि वो आपसे पैसा ज़्यादा ले रहा है, या मान लीजिए आपको मिस लीडिंग कर रहा है कि नहीं अभी सामान नहीं आया, या मान लीजिए कोई आपको वजन में कम दे रहा है। ये 3 तरह के ही मैक्सिमम चीज़ें होती हैं। तो आप जो हैं टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके बता सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से उनसे निपटेगी। वो तो बोल के नहीं आएगी कि आपके यहाँ पर ऐसा हो रहा है, वो ठीक अपना इंक्वायरी या लोगों के द्वारा अपने उस डीलर का पता कर लगी और हो सके अगर उसके जांच में पाया गया और चीज़ें सही रहीं, मैक्सिमम तो सही रहती हैं, तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल होगा। तो अगर आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं और वेस्ट बंगाल से रिलेटेड ऐसे कोई पॉइंट आता है तो उसका जो टोल फ्री नंबर है मैं आपको बता देता हूँ राशन से रिलेटेड करप्शन के लिए, 1-800-345-5505। आप ये नंबर पर कंप्लेन कर सकते हैं जो हमने पॉइंट बताया, अगर आपको कम देता है, ओवर चार्जिंग करता है या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देता है। नंबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं, 1-800-345-5505। और इसके साथ ही साथ हमारा जो पड़ोसी राज्य है बिहार, उसका भी नंबर आपको बता देते हैं, 1-800-345-6194। एक बार फिर से बता देते हैं, 1-800-345-6194। अगर ऐसे नंबर पर आप कंप्लेन कीजिएगा तो आपका कंप्लेन लिया भी जाएगा और एक्शन भी होगा और काम भी होगा। ज़रूरत है कि आपको आवाज़ उठाने की कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है कुछ, तो इनिशिएटिव आपको ही लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग आपको करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार होता है कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि चीज़ें ठीक हो, सही हो, मगर किसी की तरफ से शिकायत नहीं किया, इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसके पास रिक्वेस्ट नहीं गया, तो वो भी आगे से कुछ नहीं कर पाती है। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है या आपके एरिए में ऐसा कुछ हो रहा है जिसको आप देख पा रहे हैं, तो आप ज़रूर इस नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन कीजिए ताकि ऐसे काम और ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ को तुरंत गवर्नमेंट के माध्यम से बंद कराया जा सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।